हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो बताइए कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह 9:00 हुए हैं और हम जो है खा चुके हैं नाश्ता। देखिए, हमारी बच्ची जो है अभी नाश्ता खाई रही है, बैठी है उधर। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरा ब्लॉग के साथ में। तो हम आपको दिखाते हैं कि नसीबा जी जो है क्या कर रही है। तो दिखाते हैं दोस्तों, देखिए नसीबा जी जो है बाथरूम में है, ठीक है। बाथरूम में देखिए क्या कर रही है। देखिए, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है कुछ धो रही है, शायद क्या है, गेहूँ है। दोस्तों देखिए, गेहूँ को जो है धो रही है। इसको जो है गेहूँ को ले जाएंगे पिसाने के लिए चक्की में और इससे जो है आटा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मोटर चल रही है, मोटर से है ये। तो ये जो मोटर चल रहा है ये घर के बाहर है और ये इसको जो है अंदर से लगा हुआ है ये। और घर के बाहर जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पर टेबल है घर के जस्ट आंगन में, और आंगन से ही जो है ये यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर है। देख सकते हैं यहाँ पर मोटर है, देखिए यहाँ पर मोटर है, ये जो है ना ढका हुआ है। तो यहीं से घर के अंदर से ही अंदर जो है यहाँ से जो है पानी जो है इस घर से उस घर, उस घर से उस घर हो गए, फिर जो पानी बाथरूम में जाता है। देखिए, देख लीजिए ये लोग का लड़ाई, देख लीजिए दोनों का। हाँ ले लो नीली बचल खाती। तो दोस्तों देख, ओए ए नतले वाला चल। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आकर के पाइप निकला है। देखिए यहाँ पर पाइप निकला है, देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइप मिट्टी के नीचे से निकला है और जाके बाथरूम में पानी दे रहा है। ओह अच्छा, नीली रखा और इसका जो है बटन जो है वहाँ पर है। अब वहाँ बटन दबाइएगा, पानी आपके पास आ जाएगा। ओह हाँ, तो फ्रेंड ये जो बाथरूम है घर के अंदर में ही है और इसका पानी जो है फिर ये घर के नीचे नीचे से चला जाता है, यानी बाहर साइड। देखिए यहाँ पर इन्होंने नदी बना दिया पानी का, देख सकते हैं यहाँ पर नदी बना दिया नदी। अब ये सारा पानी जाएगा बाहर घर के नीचे नीचे से, देख सकते हैं। क्या दिख रही हो? ये गेहूं है दोस्तों, तो इसको धोकर सुखाने देंगे, फिर ले जाएंगे चक्की में आटा बनाने के लिए। और इससे पहले जो है हम जो है मैडम जो है चावल धो कर के सूखने के लिए दे दी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर चावल इनका, देख सकते हैं ये है चावल, ये है चावल, यानी गेहूं के साथ में चावल भी देते हैं तो उसका रोटी जो है खाने में टेस्टी बनता है थोड़ा सा, है ना। तो ये चावल है, ये चावल देंगे गेहूं के साथ में। इसके बाद फिर जो है क्या करने वाले हैं कि इसको गेहूं के साथ मिला देंगे, उसके बाद जो है फिर दूसरा चावल फिर धोएंगे, यानी भक्का और पीठा बनाने के लिए। इससे भक्का और पीठा हम लोग जो खाते हैं सुरजापुरी में, अब उनके लिए चावल देंगे, उनको भी चक्की मिल जाएंगे, गेहूँ को भी चक्की मिल जाएंगे, फिर बनाएंगे फिर खाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग कौन कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा और गांव का नाम लिखिएगा कि कहाँ से देख रहे हैं। जैसे कि आप हैदराबाद से देख रहे हैं, मुरादाबाद से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, लुधियाना से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, सऊदी से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप अपना जगह का नाम लिख के भेजिएगा और अपना नाम भी बताइएगा कि कौन कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।